का जो हमारे पेशेंट है अनूप जी, इनका नाम है, इनको क्या था कि हम लोगों ने एक साल पहले इनकी एक सर्जरी करी थी। इनके जो लेफ्ट साइड का जॉ है उसमें बड़ी सी इनको ओकेसी थी और उनको जनी क्रेटोसिस, तो उसके चलते क्या हुआ था कि अगर आप साफ में आइए अगर आप देखेंगे कि इनके इस तरफ के देखिए कोई दांत नहीं है, क्योंकि इधर विजडम टूथ से सिस्ट ओरिजिन हुई थी और जो पूरा मैंडिबल में मिड लाइन ऑलमोस्ट मिड लाइन तक थी। तो हम लोगों ने इनके ऊपर के सारे दांत निकाले और पूरी सिस्ट हटाई थी। और सिस्ट हटाने के बाद अगर आप देखेंगे इनके यहाँ पर, आप देखिए यहाँ से पास में और बेटा सामने से बिल्कुल, ये देखिए ये इस तरफ के हम लोगों ने दांत हटा करके ये बड़ी सी देखिए रिकॉन प्लेट भी लगाई हुई थी, तो जॉ की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखती है। तो वो टाइम पे देखिए हमारी पूरी नर्व हम लोगों ने बचाई थी, तो सर्जरी में जो नर्व बची तो उसको अभी तक यहाँ पर हम लोग CBCT में ट्रेस कर सकते हैं। तो आज एक साल इनके पूरे हो चुके हैं, तो आज का हमारा प्लान ये है कि यहाँ पर हम लोग इनका डेंटल ट्रीटमेंट के लिए, डेंटल रिहैबिलिटेशन के लिए इम्प्लांट प्रोसीजर करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा प्लान ये है कि हम लोग यहाँ पर इनके सेंट्रल इंसाइजर तक हैं, यहाँ पर लेटरल इंसाइजर से लेकर के अगर आप देखेंगे पीछे कोई मोलर्स नहीं है, तो हमारा प्लान है कि लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, दो प्रीमोलर और एक फर्स्ट मोलर तक हम इनको ऑक्सीजन दे सकें, तो जिससे हम इनका बाइलेटरल ऑक्सीजन रिस्टोर कर सकेंगे। तो आज हमारा प्लान ये है कि हम इनके 4 इम्प्लांट डालेंगे और उसके बाद हम लोग ये सर्जरी कम्प्लीट करेंगे, फ्यूचर में इनके हम लोग कैप लगाएंगे। थैंक यू। फाइनली ये देख सकते हैं इम्प्लांट डालने के तुरंत बाद, ये फोटोग्राफ है जिसमें चारों इम्प्लांट्स हम देख सकते हैं फ्रॉम ऑक्लूजल व्यू, और ये पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव OPG एक्सरे है जिसमें हम चारों इम्प्लांट की पोजिशनिंग और प्लेट के साथ कैसा रिलेशन है ये क्लियरली देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।